परिचय दीजिए। सुमित कुमार, अपर नगर आयुक्त। सर, आज व्यापारी आते थे, मुद्दों को क्या मांगे थी? मांगे नहीं थी, बैठक बुलाई गई थी G20 को लेके, उसमें व्यापारियों का सहयोग चाहिए था, तो वही सहयोग देने के लिए ही ये बैठक आयोजित की गई थी। जी, उन्होंने कहा कि उनकी कुछ मांगे भी थी। हाँ नहीं, उनकी समस्या थी, उसको सुना गया, नोट किया गया और उसको निस्तारण के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। एक सप्ताह G20 के लिए क्या निर्देश दिया गया? G20 के लेके ये बताया गया कि आप लोग सहयोग प्रदान करिए, सजावट करिए, झालर लगाइए, पेंटिंग कराइए अपने घरों की, हॉर्टिकल्चर करिए, गमले लगवाइए, ताकि जो बाहर से डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको एक अच्छा मैसेज जाए। अभी जो पिछले महीने G20 की बैठी, उसमें व्यापारियों को किस तरह का सहयोग रहा? बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया, उसके लिए हम आभारी भी हैं और आगे भी सोचते हैं कि वैसे ही सहयोग बना रहेगा। हमने व्यापारियों की बैठक बुलाई थी, पीछे भी बुलाई गई थी, और जो भी समस्याएं हैं व्यापारियों की, या क्षेत्र की, या नाली की, या सफाई की, या दुकानों की, या अतिक्रमण की, सारी तरह की समस्याओं को उन्होंने सुना, और जहाँ पे योगा के लिए ज़मीन टूटी थी उसको बनाने के लिए सारी समस्याओं को उन्होंने सुना, और सुनने के बाद कहा सारी समस्याओं का हल होगा और अगले महीने फिर बैठक होगी। जी, अतिक्रमण की बात किया तो दुकानों के सामने सबसे ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है। अतिक्रमण के लिए उनका हमेशा दस्ता चल रहा है, पर हम लोगों ने कहा है कि उसमें नरमी बरती जाए, गरीबों के साथ, ठेले वालों के साथ, इन लोगों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, इनको बसाने की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने वेंडिंग जोन की लिस्ट दी है, उसमें जो जगह खाली होगी वहाँ भेजा जाएगा, और नए भी वेंडिंग जोन बनने जा रहे हैं जिसमें वो ठेले वालों को और गरीबों को वहाँ बसाएंगे। अगर मांगे नहीं पूरी हो तो क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, इसमें मांग की बात नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम बसाएंगे, और मांग कैसे नहीं पूरी होगी, अगले महीने की बैठक में इनसे जवाब लिया जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी वादा करके भूल जाते हैं। हम लोग वादा मनाना भी जानते हैं, वादा पूरा कराना भी जानते हैं, अगले महीने वार्ता होगी। भाई 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 पकड़ी पकड़ी नहीं हुआ अभी।